गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो, हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, हमने कुछ टूर्नामेंट के टाइप देखे थे, जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट। तो नॉकआउट में देखो, एक टीम जब एक बार अगर डिफीट हो गई तो वो ऑटोमेटिकली टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, उसे दूसरा चांस नहीं दिया जाता। जबकि लीग टूर्नामेंट में कंपल्सरी है कि हर एक टीम को जो टूर्नामेंट में प्रेजेंट जो अदर्स टीम्स है उनसे एटलीस्ट एक बार तो खेलना होगा, अगर सिंगल लीग टूर्नामेंट है। और अगर डबल लीग टूर्नामेंट है तो वो एटलीस्ट दो बार हर एक टीम के साथ मैच खेलेंगे। तो यहाँ देख लो, हम सिंगल लीग टूर्नामेंट की अगर बात करें कि हर एक टीम को एटलीस्ट वन टाइम खेलना है अदर टीम के साथ, तो वहां पर नंबर ऑफ मैचेस उस सिंगल लीग टूर्नामेंट के लिए नंबर ऑफ मैचेस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला है एन इज टू एन माइनस वन अपॉन टू। यहाँ पर एन किसे डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ टीम्स को। मान लो नंबर ऑफ टीम्स वहां पर कितनी है, सिक्स टीम्स हैं जिनके बीच में हमें सिंगल लेग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है। तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे इस टीम के लिए, क्योंकि हमें हम प्लानिंग पढ़ रहे हैं ना, प्लानिंग में सब कुछ वेल प्लान होता है, पहले से प्लान होता है। तो हम वहां पर नंबर ऑफ मैचेस देखेंगे कि ठीक है, सिक्स टीम्स आ गई मेरे पास, मुझे सिंगल लीग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है। नंबर ऑफ टीम्स मेरे पास, नंबर ऑफ टीम्स भी मेरे पास सिक्स है। अब नंबर ऑफ मैचेस मेरे पास कितने होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है, सिक्स माइनस वन कितने हुए, फाइव हो गए। फाइव को आप यहाँ पर सिक्स से मल्टीप्लाई करो, फाइव सिक्स थर्टी, टू से डिवाइड करो, तो टोटल कितने मैचेस हो जाएंगे वहां पर, फिफ्टीन मैचेस होंगे। क्लियर? अब देखो इसके लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे टीम मैच करेंगे, वो चीज हम आगे देखेंगे। अब डबल लीग के लिए देख लो, डबल लीग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन, यहाँ पर डिवाइडेड बाय टू नहीं होगा। क्लियर? डबल लीग में नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा हो जाएंगे और इसमें सिंगल लीग में नंबर ऑफ मैचेस कम होंगे, जस्ट हाफ हो जाएंगे। आप सिक्स टीम के लिए करके चलो अगर, ठीक है, सिक्स टीम के लिए डबल लीग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है नंबर ऑफ मैचेस, तो इसके जस्ट डबल कर दो। यहाँ पर 15 मैचेस हो रहे थे ना हमारे सिंगल लीग में, यहाँ पर 30 हो जाएंगे। फॉर्मूला में भी रखकर आप देख सकते हो। तो ये तो बात थी सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट में और खेले जाने वाले नंबर ऑफ गेम्स के बारे में। अब आपको क्या करना है, आपको थर्ड टाइप ऑफ टूर्नामेंट देखना है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसका नेम इंडिकेट करता है कि कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन करना है नॉकआउट का और लीग टूर्नामेंट का। ठीक है, देखो क्यों हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो उसके लिए देखो नेशनल लेवल पर मान लो कोई गेम ऑर्गेनाइज होना है, हम स्टेट लेवल की बात कर लेते हैं, स्टेट लेवल पर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होना है। ठीक है, छोटे छोटे गांवों से या छोटे छोटे शहरों से लोग नहीं पहुंच पाते स्टेट लेवल पर, आपको स्टेट कैपिटल में जाना है, वहां खेलना है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है वहां जाना, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, कैसे? देखो पहले हम टीम्स को जोन्स में डिवाइड कर देते हैं या ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, फिर हर एक ग्रुप का, जैसे मान लो स्टेट लेवल हमारे यहाँ राजस्थान लेवल पर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होना है, तो क्या किया जाएगा कि हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट को तो नहीं, कुछ जोन में डिवाइड कर दिया राजस्थान को, मान लो चार जोन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट जोन जो है उसमें हमारा टोंक आता है, जयपुर आता है हमारा, और हमारे कोटा बूंदी, इन सबको इंक्लूड कर लिया, तो ये एक जोन की बात हो गई। अब क्या होगा कि यानी स्टेट पर पहुंचाने से पहले उस जोनल लेवल पर ही मैच होगा, उस एक जोन लेवल पर हमारी जो टीम्स हैं एक जोन में, वो उसी लेवल पर मैच करेंगी, और हर एक टीम का जो विनर होगा, ठीक है, उस जोन का जो विनर होगा, फिर वो आगे जाएगा स्टेट लेवल पर खेलने, फिर उनके बीच में हर एक जोन के विनर्स के बीच में फिर स्टेट लेवल पर मैच होगा। क्लियर होती है चीज? तो सबसे पहला काम क्या होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में, देखो किया क्या जाता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में, कि कुछ मैचेस जो हैं वो एक डिफरेंट बेसिस पर खेलते हैं, मान लो नॉकआउट बेसिस पर खेल लिया, मान लो लीग बेसिस पर खेल लिया, और जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ मैचेस होते हैं, बचे हुए जो मैचेस हैं, वो दूसरे बेसिस पर खेले जाते हैं, जो स्टार्टिंग में खेली वो उसके अगले बेसिस पर खेलेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में, टीम्स आर डिवाइडेड इनटू जोन्स, टीम को पहले जोन्स में यानी ग्रुप में डिवाइड कर लिया जाता है, अगर जोन हमें नहीं समझ आता है तो हम ग्रुप भी लिख सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर लिया टीम्स को। डिवाइड करने के बाद अब ग्रुप ग्रुप आपको ग्रुप बना दिए, अब उन ग्रुप का ही आपस में हरेक ग्रुप की टीम्स के मैच होंगे, उसके बाद जो हरेक ग्रुप का जो विनर होगा फिर वो आगे जाएगा दूसरे बेसिस पर खेलने के लिए। तो देखो अब शुरुआत के मैच जो है वो कौन से बेसिस पर खेल रहे हैं, रेस्ट ऑफ मैचेस कौन से बेसिस पर खेल रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए हमने कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को फोर टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है नॉकआउट कम नॉकआउट बेसिस, इसमें क्या होगा नॉकआउट कम नॉकआउट, यानी इनिशियल मैचेस भी नॉकआउट बेसिस पर खेले जाएंगे, यानी हर एक जोन में भी मैच नॉकआउट बेस पर होगा, और फिर हर एक जोन का जो विनर है इंटर जोनल मैच भी नॉकआउट बेसिस पर होंगे। ओके, ये कॉम्बिनेशन हुआ नॉकआउट नॉकआउट का। दूसरा लीग कम लीग टूर्नामेंट, यानी आपके जो
हर एक जोन के जो मैच हो रहे हैं वो भी लीग बेसिस पर होंगे, फिर इंटर जोनल विनर्स के बीच में जो मैच होंगे वो भी लीग बेसिस पर होंगे, ठीक है। थर्ड है नॉकआउट कम लीग, यानी इनिशियल जो मैचेस हैं आपके जोन बनाने के बाद हर एक जोन नॉकआउट बेसिस पर खेलेगा, फिर हर एक जोन के जो विनर हैं उनके बीच में जो इंटर जोनल टूर्नामेंट होगा वो लीग बेसिस पर होगा। फिर फोर्थ आता है लीग कम नॉकआउट, यानी इनिशियल मैचेस जो है वो जोनल लेवल पर लीग बेसिस पर होंगे और जो दूसरे मैचेस हैं बचे हुए इंटर जोनल वो नॉकआउट बेसिस पर होंगे। आई होप ये चीज आपकी क्लियर हुई क्यों हमें कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। हम बड़े लेवल पर करना चाह रहे थे, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, तो हमने कॉम्बिनेशन वहां पर डाल दिया। ये चार टाइप से हम पहले टाइप की बात कर लेते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट बेसिस, यानी इसमें देखो टीम को क्या करेंगे, फोर जोन में डिवाइड करेंगे, कोई सा भी बेसिस हो, कोई सा भी टाइप हो, आपको फोर जोन लेने हैं, फोर इक्वल जोन में डिवाइड कर लिया। मान लो 16 टीम्स हैं, उनके बीच में आपको कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइज कराना है, तो आप उनको चार जोन में बांट दो, हर एक जोन में फिर कितनी टीम्स हो जाएंगी, फोर फोर 16, चार चार टीम हर एक जोन में हो जाएंगी। पहले उन चार टीम के बीच में मैच होगा, ठीक है। मान लो आपने चार जोन बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जोन, हर एक जोन में चार चार टीम्स हो गई, आपके पास 16 टीम्स थी टोटल, तो वो चार टीम्स पहले नॉकआउट बेसिस पर खेल लेंगी। उन चार में से नॉकआउट पर खेला तो एक विनर वहां से निकल कर आया, इन्होंने खेला इनका एक विनर निकल कर आया, थर्ड ग्रुप ने खेला उनका एक विनर निकल कर आया, फोर्थ टीम के मैचेस ने मैचेस किए अपने आपस में, उनके बीच में से एक विनर निकल कर आया। अब उन विनर के बीच में इंटर जोनल, यानी अब हर एक जोन का आपके पास विनर हो गए, चार विनर है, अब हर एक जोन के विनर के बीच में अब क्या होगा, फिर दूसरे बेसिस पर, तो दूसरा बेसिस भी हमारे पास क्या है यहाँ पर, नॉकआउट है, तो नॉकआउट बेसिस पर उनके बीच में गेम्स होंगे, ठीक है। टीम्स आर डिवाइडेड इनटू फोर जोन, इनिशियली टीम ऑफ ईच जोन प्ले ऑन नॉकआउट बेसिस, ऑब्वियसली नॉकआउट बेसिस पर खेलेंगे, फिर उसके बाद देन विनर ऑफ ईच जोन, हर एक जोन का विनर हमने देखा अभी, फिर वो भी क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द मैचेस ऑन नॉकआउट बेसिस, बचे हुए जो मैचेस है वो नॉकआउट बेसिस पर खेलेंगे। क्लियर होती है चीज? तो अब एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे कि किस तरह से इनिशियल मैच नॉकआउट बेसिस पर होंगे, कैसे विनर आएगा, फिर कैसे रेस्ट ऑफ द मैचेस नॉकआउट बेसिस पर होंगे, एक एग्जाम्पल लेकर उसे हम समझेंगे। आप इसको नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम नॉकआउट कम नॉकआउट बेसिस का, उससे हमें और क्लियर होगा। यहाँ देखो नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट फॉर 16 टीम्स के लिए आपको नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट का एग्जाम्पल समझना है कि कैसे इनिशियल मैचेस नॉकआउट बेसिस पर होंगे और कैसे दूसरे बचे हुए मैचेस नॉकआउट बेसिस पर होंगे। तो देखो मैंने आपको कहा था ना कि टीम्स को सबसे पहले हम जोन में डिवाइड करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है। तो यहाँ देखो आपने 16 टीम्स है, आप इनको चार जोन में डिवाइड करोगे, हर एक जोन में आपके पास चार टीम्स आ जाएंगी। तो जोन ए में चार टीम, जोन बी की चार टीम 1 2 3 4, जोन सी की चार टीम 1 2 3 4, जोन डी की चार टीम 1 2 3 4। अब इनके बीच में इनिशियल मैच करवाने हैं आपको, जोनल टूर्नामेंट और नॉकआउट बेसिस, हर एक जोन को डिवाइड कर दिया। आप जोन से बोला कि आप अपने टीम का नॉकआउट बेसिस पर मैच करा लो, बी वाले अपने टीम का करा लेंगे, जोन सी वाले अपने टीम का, जितनी भी उनके पास टीम्स है, नॉकआउट बेसिस पर करा लेंगे। फिर वहां से जो विनर निकलेगा हम उसे आगे इंटर जोनल टूर्नामेंट में पहुंचाने वाले हैं। तो यहाँ देखो जोन ए में चार टीम थी, मान लो पहले फर्स्ट राउंड में मैच हुआ, फर्स्ट और सेकंड टीम के बीच वहां से एक विनर निकल कर आया, उसी राउंड में थर्ड और फोर्थ टीम के बीच में मैच हुआ, वहां से एक विनर निकल कर आया, ये विनर्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल एक विनर हमें मिलेगा। फिर जो विनर आपके मिले फर्स्ट राउंड के, उन दोनों के बीच में मैच हुआ और आपके पास ओवरऑल जोन ए का एक विनर निकल कर आया। ठीक उसी तरह जोन बी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार टीम्स हैं, पहले राउंड में मैच फर्स्ट और सेकंड के बीच हुआ और थर्ड और फोर्थ के बीच हुआ। नॉकआउट में क्या होता है, एक टीम एक बार डिफीट हुई आउट हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड के बीच में मैच हुआ तो मान लो वहां से सेकंड हमारा विनर आ गया, ठीक है, यहाँ विनर लिखते हैं, जो आउट हुआ उसको डिनोट नहीं करते हैं। थर्ड और फोर्थ के बीच में मैच हुआ हमारे पास, थर्ड हमारा विनर आया यहाँ से, ठीक है, ये दोनों फर्स्ट राउंड के विनर हो गए। अब सेकंड राउंड में इन दोनों विनर्स के बीच में मैच हुआ, सेकंड और थर्ड के बीच में, तो हमारे पास जोन बी का विनर आ गया। ओके, अब हम सी में बात करेंगे तो इसी तरह सी का विनर आ जाएगा, डी की बात करेंगे इसी तरह डी का विनर आ जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद क्या होगा, ये तो हमारे कुछ इनिशियल मैचेस हो गए जो कि हमने नॉकआउट बेसिस पर पर्टिकुलर जोन 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 के बीच में करवाया। अब हम इंटर जोनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे, इन जोन के जो विनर है अब उन्हें हम इंटर जोनल टूर्नामेंट में पहुंचाएंगे और वहां से फिर हमें विनर मिलेगा, हमारे टूर्नामेंट का ओवरऑल विनर हमें वहां से मिलेगा। अभी हमें ये कुछ राउंड के
कुछ इनिशियल राउंड्स के विनर मिले, हमारा फाइनल विनर हमें नहीं मिला, तो उसके लिए हमने देखा नॉकआउट का नॉकआउट बेसिस है। तो अब सेकेंड राउंड, सेकेंड जो भी मैचेस होंगे हमारे बचे हुए रेस्ट ऑफ मैचेस, इंटर जोनल टूर्नामेंट और नॉकआउट बेसिस, इंटर जोनल टूर्नामेंट यानी हर एक जोन का विनर मैच करेगा। तो यहाँ देखो जोन ए का विनर और जोन बी का विनर, मान लो पहले राउंड में इन दोनों के बीच में मैच हुआ, आप खुद भी लिख सकते हो ए और सी, सी और डी कुछ भी लिख सकते हो, ए और बी के बीच में हमारा मैच हुआ तो हमारे पास यहाँ से विनर निकल कर आया ए, ओके फर्स्ट राउंड में। इसी तरह फर्स्ट राउंड में सी और डी के बीच में मैच करवा दिया, वहां से हमारे पास विनर आया सी। अब सेकेंड राउंड में इन दोनों विनर्स के बीच में मैच हुआ तो हमारे पास ओवरऑल फाइनल विनर आ गया हमारा, सी या डी जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो ये हमारे पास हमारे टूर्नामेंट का विनर है, विनर ऑफ टूर्नामेंट, ओके। तो इस तरह से हम एक फिक्सर ड्रॉ करते हैं फॉर नॉकआउट कम नॉकआउट बेसिस। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता है नॉकआउट मैच में क्या होता है, एक बार कोई भी टीम हारी तो वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये नॉकआउट कम नॉकआउट बेसिस पर होने वाले मैचेस का एक फिक्सर है। अब आप सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट लीग कम लीग, वहां पर देखोगे किस तरह से हम मैच का फिक्सर ड्रॉ करते हैं। तो इसे नोट डाउन करो। Thank you.